हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। देखिए, ये वीडियो मोस्ट डिमांडिंग थी उन स्टूडेंट के लिए जिनको ये नहीं पता कि SOL के अंदर MA MCOM कैसे की जाए, क्या रजिस्ट्रेशन डेट है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स लिस्ट क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है और रिजल्ट और डिग्री क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूँगा कि MA MCOM दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी SOL से SOL किस तरीके से कंडक्ट कराता है, कितने नंबर होने चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। तो आपको इस वीडियो के एक ही वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। देखिए, पहली बात तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें SOL से BEd करनी है, MBA करनी है, ये करनी है। तो पहली बात तो ये, SOL सिर्फ MA और MCOM ही कराता है बस। इसके अलावा ना तो ये BEd कराता, ना तो ये MBA कराता, ना तो ये अदर कोर्सेज कराता। पर जहाँ अगर इसके अगले इसको अगर अलग देखा जाए तो इग्नू के अंदर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में। पर SOL सिर्फ 5 कोर्सेज कराता है MA के अंदर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, संस्कृत और एक इंग्लिश। बस ये 5 कोर्सेज SOL आपको प्रोवाइड कराता है MA के अंदर और एक MCOM कराता है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे बात कर लेते हैं कि इसमें एडमिशन प्रोसीजर क्या है। उससे पहले रजिस्ट्रेशन की डेट कब शुरू हो रही है। देखिए, अगर आप SOL से MA करना चाहते हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन डेट में बताया था, रजिस्ट्रेशन डेट इसकी है, मतलब इसके जो फॉर्म निकलेंगे वो आपके 27 जुलाई यानी आज से आपके फॉर्म निकल चुके हैं। फॉर्म आपके कहाँ निकले? ये फॉर्म आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे निकले हुए। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, pgdu.ac.in डाल के आपको लॉगिन सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। जैसे उस फॉर्म को भरो, फिलअप करोगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा NCVAP, SOL और रेगुलर। अगर आप SOL सेलेक्ट करती हो, बेसिकली MA तीनों कॉलेज के लिए सेम ही है, सिर्फ आपको कॉलेज का नाम चुनना पड़ेगा। अगर आप NCVAP से करना चाहते हो, पर NCVAP में सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट ही एलिजिबल होगी जिन्होंने दिल्ली से ग्रेजुएशन अपनी करी है, ठीक है। तो अगर आप SOL से करना चाहते हो, जब आप SOL टिक कर दोगे और जो भी अपना फॉर्म फिलअप है, जो भी आप कोर्सेस चूज़ करना चाहते हो, जैसे MA से जैसे हिंदी करना चाहते हो, पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो, तो जो आप सेलेक्ट करोगे, फॉर्म फिलअप करके आप सबमिट कर दोगे। क्या एडमिशन हो गया? जी नहीं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद MA के अंदर आपका एक एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है और एक मेरिट बेस पे एडमिशन होता है। अब काफ़ी स्टूडेंट के मन में यही डाउट है कि सर एंट्रेंस कैसा एग्ज़ाम होता है और मेरिट कैसा होता है। अब देखिए, ऐसा है कि SOL के अंदर जो है सीटें काफ़ी लिमिटेड है, अभी सीटों की जानकारी नहीं है। जैसी सीटों की जानकारी दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा अवेलेबल हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा, पर इतना मान के चलिए 1000 सीटें कम से कम निकाली जाती है हर साल SOL की तरफ से, ठीक है। जिसमें से लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं SOL के अंदर, जिसकी वजह से इन्होंने एंट्रेंस और मेरिट का सिस्टम कर रखा है। अब एंट्रेंस देने का भी आपको मैं समझा देता हूँ। अगर आपको SOL के अंदर MA करना है तो अगर आप जनरल कैटेगरी से, आपके 55% नंबर होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर टोटल, ठीक है, तो आप एलिजिबल माने जाओगे। अगर आप मेरिट बेस पे करना चाहते हो तो 65% आपके मार्क्स होने चाहिए, उसमें आपका एंट्रेंस कैंसिल हो जाएगा, मेरिट बेस पे आपका एडमिशन कराया जाएगा, मतलब एडमिशन होगा, समझ गए। PCSC के लिए 55% कम है, उसमें आपका 60% पे, इस पे आपका 50% पे एडमिशन होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एंट्रेंस और मेरिट का क्या सिस्टम है, ठीक है। अब कोर्स ड्यूरेशन इसका कितना है? देखिए, कोर्स ड्यूरेशन इसका मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 4 साल का टाइम है, जो इग्नू के अंदर सेम है, ठीक है। अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें फ़ीस कितनी लग जाएगी। देखिए, MA के अंदर जैसे आप अगर पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपकी जो फ़ीस है वो 5000 अप्रोक्स कुछ लगेगी, मतलब 5000-5600 के कुछ लगेगी। एक साल की फ़ीस, एक साल में 2 सेमेस्टर आपके कंडक्ट कराए जाएंगे, एक साल की फ़ीस आपकी 5100 से लेकर 6000 तक है,
और 2 साल की फ़ीस आपकी 12,000 बैठेगी, यानी 12,000 में आपकी दोनों एमए क्लियर हो जाएगी। पर इसी के बीच जब आप सेमेस्टर से, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में जब आप जाओगे तो आपको 810 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि 810 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए, जो कि SOL के अंदर जो CBCS मोड लागू हुआ है अंडर ग्रेजुएट के लिए, वो फ़ीस 510 रुपये है। पर MA के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये फ़ीस 810 है, ठीक है। टोटल मिला के 15,000 में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातक आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब कोर्स लिस्ट, BEd, MBA फलाना ढिमक्का कुछ नहीं कराता, ये सब MA और MCOM कराता है। MA के अंदर टोटल 5 कोर्स मैंने आपको बता दिए है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, ठीक है। पर MCOM आप कर सकते हो। एडमिशन प्रोसीजर सिंपली, फॉर्म आउट हो चुका है, भर सकते हो आप। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, अगर आपको जिस कॉलेज से एडमिशन लेना है उस कॉलेज का आपको चूज़ करना होगा। देखिए कई स्टूडेंट के मन में यही डाउट रहता है कि सर क्या रेगुलर से भी होती, देखिए रेगुलर सोल और NCVAP TMA तीनों के लिए सेम है, सिर्फ आपको कॉलेज अलग चूज़ करना पड़ेगा। यानी अगर आप SOL से करना चाहते हो तो SOL चूज़ करोगे, ठीक है। अगर आप गर्ल्स हैं, अगर आप NCVAP से करना चाहती हो तो आप NCVAP चूज़ करेंगे। अब सबसे बड़ी बात, ये तो रहा एडमिशन प्रोसीजर की बात, क्या SOL से MA और MCOM किसी और तरीके से किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके ग्रेजुएशन में इतने नंबर नहीं आएंगे, देखिए मैं तो साफ सीधी बात बोलता हूँ, तो आप इसमें आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहली बात ये है कि अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो इसके लिए अभी भी एलिजिबल नहीं है, जैसे पिछले साल जिन्होंने ग्रेजुएशन क्लियर करके बैठे थे वो ये कह रहे थे कि हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी SOL से एडमिशन लेंगे MA के अंदर, पर हमारे तो नंबर ही कम आ गए, हमारे तो 49% बैठ रही है, हमारे तो थर्ड डिवीज़न आई, हम क्या करें, हमें तो MA करनी है, MCOM करनी है। तो मैं उनसे बार बार कह रहा हूँ SOL की जगह आप इग्नू का रुख कीजिए, क्योंकि इग्नू के अंदर आपको 5 की जगह 17 से ज़्यादा कोर्सेस आपको प्रोवाइड है, और आप हर लाइन में कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, सर्टिफिकेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि SOL से ही आप MA करो या SOL से MA करने का कोई बेनिफिट है। फ़र्क बस इतना है कि अगर आपको डिग्री के ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी का लोगो चाहिए और नेम चाहिए तो बस SOL से आप तब MA करें, वरना मेरे ख्याल से तो इग्नू सबसे बेस्ट है, जो कि इग्नू के बारे में बता चुका हूँ। क्योंकि इग्नू आपसे ना तो कोई नंबर मांगता ज़्यादा, 50% होने चाहिए, 45 में भी देखा गया कई कोर्सेज में एडमिशन हो जाता है, और ना कोई एंट्रेंस होता है ना कुछ होता है, जैसे इन्होंने ड्रामा कर रखा है, ठीक है। और इग्नू एक साल में 2 बार एडमिशन लेता है, जनवरी सेशन और जुलाई सेशन, और अभी भी उसके फॉर्म निकले हुए, आप भर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसमें, ठीक है। बाकी मैं SOL का बता रहा था, इसका एडमिशन प्रोसीजर सेम है, एंट्रेंस दोगे, एंट्रेंस के एग्ज़ाम में क्या सवाल आते हैं सेम आते हैं, ग्रेजुएशन में आपने जो पढ़ा हुआ है वही आते हैं। आप बुक्स पढ़ लीजिए ग्रेजुएशन की, दोबारा से राइटर की बुक्स ले लीजिएगा, उसी में से आपसे पूछेगा बस, आप सिंपली कुछ नहीं आता। रिजल्ट और डिग्री सेम SOL, आपको पता ही होगा रिजल्ट आप इसका लेट ही आएगा, और डिग्री भी इसकी 2 साल बाद ही प्रोवाइड कराई जाती है आपको, सिंपल सा कोर्स है। बाकी जो जो मेन बात है मैंने आपको बता दी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 27 जुलाई से, करा सकते हो आप, फॉर्म भर दीजिए, फीस जो है वो सबमिट कर दीजिए, एंट्रेंस आपका कराया जाएगा, एंट्रेंस में क्लियर हो जाओगे तो एडमिशन हो जाएगा, मेरिट अगर क्लियर हो जाओगे तो एडमिशन क्लियर हो जाएगा, नहीं होता तो इग्नू में करा लीजिए, क्योंकि इग्नू की भी डेट 31 जुलाई तक है लास्ट, तो आपका मन है जिसमें आपको अच्छा लगे आप करा लीजिए, आई सजेस्ट इग्नू। बाकी आपका मन है SOL से करें तो SOL की, क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि कई सारे भ्रम थे कि SOL MBA BEd कराता है या नहीं, तो ये कुछ नहीं कराता है SOL, SOL सब MA और MCOM कराता है। MA में भी सिर्फ 5 कोर्सेस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, साइकोलॉजी भी नहीं कराता है, ठीक है। 5 नॉर्मल कोर्सेस है जो आपको ग्रेजुएशन में भी देखने को मिले, ठीक है। एडमिशन के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, आपके नंबर उस कोर्स में ज़्यादा होने चाहिए। अगर जैसे आप हिस्ट्री करना चाहते हैं MHT, तो हिस्ट्री आपने पढ़ रखी हो ग्रेजुएशन में, और 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, एडमिशन हो जाएगा। तो सिंपली ऐसा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको समझा दिया, फर्दर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी, काफ़ी ज़्यादा बच्चे पूछ भी रहे थे
कि सर हमें MA SOL के बारे में बताइए कैसे की जाए, तो बता दिया मैंने। तो आज के लिए बस इतना ही, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए ना, क्योंकि जो भी छोटी मोटी अपडेट होती है मैं आपको देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।